राम राम जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और एक्चुअली कल के सब्सक्राइबर्स देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी फील कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन बालों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। वैसे तो आप लोगों को दिखाई देता ही होगा कि वीडियो में मेरे बाल कितने बुरे लगते हैं, जिनका मैं कुछ इलाज करने की सोच तो रही हूँ लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं। पर कितने ख़राब है और कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये इतने सारे बाल सिर्फ एक बार की कंघी करने पे टूटे हैं और अभी बालों का ये हाल है। तो हर बार की कंघी में अगर इतने बाल टूटेंगे तो सर पे बाल बचने ही नहीं वाले, और बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो चुके हैं। हालांकि मैं कई बार कलर भी करा चुकी हूँ, उससे भी बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं, बहुत ड्राई हो चुके हैं। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा हैवी थे, मैं मानती हूँ कि मैं ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करती, लेकिन उसकी वजह से इतने ज़्यादा बाल ख़राब मेरे कभी नहीं हुए। इस बार कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है और इसका कुछ ट्रीटमेंट करने की मैं सोच भी रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये हूँ मैं किचन में और इसके बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो आज ना मैंने ना बहुत सारा एलोवेरा तोड़ के रख लिया है और ना ये आउच चुभ गया यार। तो ना ये मैंने अच्छे से ना इसमें ग्लास में ना ऐसे करके रखा हुआ है ताकि इसका जो कड़वापन है ना सारा निकल जाए, सारा गिर गया, सारा कड़वापन निकल जाए। और उसके बाद हम इसको छील के अच्छे से धो के ना एक पेस्ट बनाने वाले हैं, मतलब एलोवेरा जेल निकालने वाले हैं और उसको लगाने वाले हैं बालों में। क्योंकि मैंने आज सुबह आपको अपने बाल दिखाई दिए थे, आज के वीडियो में इतने ख़राब हो रहे हैं तो मैं दिखाती हूँ हमने पहले भी बनाया हुआ था कैसे बनाया। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये ग्रीन ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिक्स है, और ये बालों पे लगाएंगे हम और स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और ये पहले थोड़ा बनाया था और यूज़ कर रहे हैं अभी, तो इसका रिज़ल्ट तो अभी तक तो मतलब कुछ पता चला नहीं है, लेकिन एलोवेरा बहुत अच्छा होता है स्किन और बालों के लिए। तो घर का एलोवेरा था इसलिए तोड़ के रख लिया, अब कल मिक्सी में पीस के उसका फिर से बनाएंगे पेस्ट। जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, फेस की बैंड बहुत बुरी तरह बजी हुई है और पता नहीं क्यों आज अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना फेस को स्टीम दी जाए ताकि जो पोर्स है, जो भी खुले हुए हैं या जिनमें जो गंद जमी पड़ी है वो अच्छे से साफ हो जाए और उसके बाद कुछ करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टीम ले लेती हूँ। ये रहा मेरा स्टीमर और ये काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्पेशली मैं इसे फेस के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसमें पानी भर के इसे सेट कर लेती हूँ। ले ली गई है और अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के स्टीमर में कुछ भी रोज़ पैटर्न डाल सकते हैं या एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, वो भी स्टीम के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अब पोर्स तो क्लीन मतलब ओपन हो चुके हैं, अब बारी है इसे क्लीन करने की। तो मैं क्लींजिंग मिल्क का यूज़ करने वाली हूँ और मेरे फेस के जो पिम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा ओवर हो चुके हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा बहुत इरीटेट भी हूँ। तो कुछ और भी ट्राई करने वाली हूँ, कोई पैक वगैरह लगा के देखूंगी। वैसे मेरे पास फेशियल किट है लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ये पिंपल्स रेगुलरली शुरू हुए हैं ये मुझे दूर करने हैं, और स्किन पे जो डार्कनेस ऑयल बहुत ज़्यादा आ गया है वो ख़त्म करना है। तो स्टीम के बाद मैं वो ट्राई करने वाली हूँ।
हिमालय का क्लींजिंग मिल्क और स्किन के लिए तो अच्छा है ही और प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस फेस साफ कर लिया है और सॉफ्टनेस तो है, लेकिन पता नहीं पिंपल्स खत्म होंगे या नहीं, वो एक दो दिन में पता चलेगा। ये रूटीन मुझे दो तीन दिन फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही और आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, गुड बाय।